सात जन्मों का वादा कर बना था उनसे रिलेशन, बीच राहों में छोड़कर बिगाड़ दिया मेरा फंक्शन। तो बाबू यहां हम लोग बहुत ही शानदार तरीका से देखने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन का मतलब रिश्ता, रिश्ता समझते हो, जैसे कि आपका रिश्ता आपके मम्मी से है, आपके पापा से है, आपके बड़े भाई से है, छोटे भाई से है, बहन से है। तो ये जितना प्रकार का रिश्ता है ना, तो बताइए सबसे अलग अलग तरह का रिश्ता है कि नहीं, तो उसे कहते हैं रिलेशन। उसे क्या कहते हैं? रिलेशन। मतलब कि आप एक आदमी है और एक आदमी से कई आदमी का रिलेशन है, और यह रिलेशन अच्छे तरीका से है, यानी कि किसी भी गलत तरीका से रिलेशन नहीं है, तो वो कहलाएगा कि वो रिलेशन है, यानी कि संबंध, बहुत अच्छा संबंध है भाई। वो क्या है? बहुत अच्छा संबंध है, उसे संबंध कहेंगे। देखिए फंक्शन भी यही चीज है, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है, माइनर सा का। रिश्ता तो होगा लेकिन खराब हो जाएगा रिश्ता। रिश्ता खराब कब होता है? जब आप इन लोगों से अच्छा से रिश्ता बनाए हैं और अपना रिश्ता किसी दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं, उस समय क्या होता है कि पूरा का पूरा जितने भी आपके बड़े भाई हैं, आपके पापा हैं, आपकी बड़ी बहन है, आपका पूरा का पूरा फंक्शन बिगाड़ देंगे। तो जब फंक्शन बिगाड़ देंगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा, और जब रिश्ता ही खराब हो जाएगा, ठीक है, तो वो ना रिलेशन तो है, क्योंकि आप तो उससे रिलेशन किसी प्रकार का अगर आप उससे जुड़े हैं तो वो रिलेशन है, जान लीजिए। लेकिन क्या हुआ कि रिलेशन उस दूसरे के साथ जब जुड़ रहे हैं ना, समझ रहे हो ना किसके साथ, ठीक है, तो उसमें होता क्या है बाबू, इससे पूरा का पूरा फंक्शन बिगड़ गया, यानी कि वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने तो दूसरे के साथ रिलेशन कर दिया। समझिएगा यहां पर कुछ देर के लिए, मान लीजिए कि यहां पर कुछ है, ये मान लीजिए कि पिता, यहां पर बेटा जी लिख रहे हैं, बेटा जी लोगों का ग्रुप है ये, ठीक है। मान लीजिए कि मीना हो गया, रीना हो गया, छोटुआ हो गया, ऐसा हो गया ना, ये पिताजी का ग्रुप है, समझिएगा यहाँ पे। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि कोई सिंह हो गया, कोई भी मान लीजिए कि राम सिंह, श्याम सिंह यहाँ पे, ठीक है, कमाल सिंह, कुछ देर के लिए। अब मीना, रीना, छोटुआ, तो बताइए हम बोले कि मीना के ये पापा हैं, ठीक, अब हम बोले रीना के भी ये पापा हैं, ठीक, छोटुआ के भी ये पापा हैं, तो सबके पापा हैं भाई, हो सकता है एक पिताजी हैं, तो तीन लड़के हो सकते हैं, ठीक है, तो ये रिश्ता है कि नहीं? हम बोले कि नहीं, इसके नहीं, ये इसके, मतलब कि ये रीना के पापा ये श्याम जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्याम। तो अच्छी बात है भाई, एक लेसन है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से देखे तो ये, हम ये वाला रिलेशन अगर मिटा दे कुछ देर के लिए, अब बोले कि देखो इसके भी पापा जी ये हैं, तो ये हो सकता है, क्योंकि एक बाप के, ये बाप मान लीजिए, पिताजी मान लीजिए, बाप नहीं मानते हैं तो पिता मान लीजिए, थोड़ा सा हम बाप ही लिखेंगे, ठीक है, यहाँ समझिएगा, यानी कि ध्यान से समझिएगा, यानी बेटा का रिश्ता है यहाँ पे, एक पिताजी तो इनके दो लड़के हो सकते हैं, अच्छा रिश्ता है ना, रिश्ता ये सही है। लेकिन ये थोड़ा सा रिश्ता देखिए, तो यहाँ देखिए रीना के पापा श्याम जी और रीना के पापा कौशल जी, आप थोड़ा देर के लिए समझिएगा भाई, एक लड़की के दो बाऊ जी कैसे संभव है? मामला गड़बड़ है, कुछ तो मामला गड़बड़ है भाई, लड़का एक ही गए, बाऊजी दो दो गए, किसी के दो पिता होते हैं, फंक्शन गड़बड़ा रहा है ना। तो देखो ये अगर ऐसे आ जा रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, बाकी सब रिलेशन फंक्शन होता है। जितना भी ये रिलेशन हम ऐसे बनाए थे ना कि ये भी इसके पिताजी हैं, ये भी इसके पिता, तो इनके तो दो लड़के ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, इनके भी चाहो तो ऐसे जोड़ सकते हो कुछ देर के लिए। यहाँ देखो मीना के भी और रीना दोनों के पापा जी ये हो सकते हैं आर, ठीक है, क्योंकि ये पिताजी हैं, बाप हैं, तो इनके दो लड़के हो सकते हैं, रिलेशन अच्छा है। तो अगर ये रिलेशन है तो ये फंक्शन है, लेकिन एक ही लड़के का या रीना के लड़के ये भी पिताजी हो जाए और श्याम जी भी पिताजी हो जाए, तो एक लड़के के दो पिता कैसे संभव? ये तो हो ही नहीं सकता, फंक्शन गड़बड़ा जाएगा, बड़ी लोग मार मारे कि तुम्हारे दो बाप कैसे हुआ, होगा कि नहीं, मामला फंस जाएगा। तो इस मामला में यहाँ पे होता क्या है कि ये रिलेशन गड़बड़ा गया, तो ये रिलेशन गड़बड़ा गया तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन कहता है कि देखो स्वच्छ रिलेशन है, एकदम शुद्ध रिलेशन होना चाहिए, किसी प्रकार का समाज उस पर उंगली नहीं उठाए कि बाप रे देख लो, शर्म करो, ऐसा ऐसा कांड करता है, कर्म करता है कि कांड करता है। अगर शुद्ध रिलेशन है तो उसे कहेंगे हम लोग फंक्शन, ठीक है। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, लेकिन जो भी फंक्शन होगा उसमें शुद्ध रिलेशन होता है, एकदम साफ सुथरा, किसी प्रकार का लोचा वाला मामला नहीं आता है, ठीक है। तो आप रिलेशन और फंक्शन समझ गए, यहां समझिएगा हर रिलेशन क्या होता है, हर सभी रिलेशन। अच्छा बताइए एक तरह से हम बात करें तो इसके अगर दो पिता हो रहे हैं, डाउट चल रहा है कि इसके पिताजी कौन है, थोड़ा देर के लिए समझिएगा, तो ये तो रिश्ता रख रहा है ना, ये भी इससे रिश्ता तो रखे कि हाँ ये भी मेरे पिता, ये भी, तो ये रिलेशन है, ये बोल रही है, तो रिलेशन तो अपने मुंह की बात है, बोल रहे कि हाँ ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे पापा हैं, तो रिश्ता तो बन गया।
लेकिन इससे समाज पर असर पड़ेगा कि यार एक लड़की के दो पिता कैसे संभव है, तो इस हिसाब से इनका फंक्शन गड़बड़ा जाएगा। फंक्शन कहता है कि नहीं साफ सुथरा रिलेशन चाहिए। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारा लाइट जल रहा होगा, यहाँ बहुत सारा लाइट लगा है, समझिएगा ध्यान से, तो देखिएगा रिलेशन कैसे। तो मान लीजिए कि यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, ऐसे बना रहे हैं, ये हो गया। मान लीजिए कि ये स्विच है, ये भी स्विच है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इससे चलता है फैन, एगो से चलता है आपका, मान लीजिए कि ये फैन हो गया, ठीक है, एगो से बल्ब जलता है, दो गो आपका बल्ब रख दे, एक बड़ा और एक छोटा, समझिएगा। अगर आप कैसा रिलेशन पसंद करेंगे, आप ऐसा रिलेशन एक बटन दबाओ एक नंबर और सब चलना शुरू हो जाए, ऐसा आपको आपके घर में किस प्रकार का बत्ती की जरूरत है बाबू, आप एक बटन दबाइए और सब चले जाए, ये चाहिए कि आपको ये रिलेशन चाहिए। क्या किस तरह वायर कराएंगे, तार ऐसे वायरिंग कैसे करें, तार कैसे जोड़ेंगे घर में, एक बटन से तीनों जलाना है कि एक नंबर वाले से ये जला दिए, दो नंबर वाले से ये जला दिए, तीन नंबर, अलग अलग बटन रखना चाहेंगे। देखिए अलग अलग साफ सुथरा ऐसे रहेगा ना, ऐसे तो क्या होगा, आराम से आप हर चीज़ को जला सकते हैं, बंद कर सकते हैं, फैन को भी चला सकते हैं। लेकिन अगर एक ही बटन से सब चलने लगे तो इस प्रकार का रिश्ता बहुत खराब होता है कि यार मान लो कि हमको लाइट जलाना है, ठंडी के दिन में फैन क्यों चलाएं, हमको तो सिर्फ लाइट जलाना है ना, तो यहाँ पर दिक्कत हो रहा है ना, ये रिलेशन नहीं चलेगा। एगो से तीनों काम चलेगा तो दिक्कत हो सकता है, और जिस रिश्ता में दिक्कत वाली बात होती है तो वो फंक्शन नहीं होता है। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। हम चाहेंगे क्या कि एक बटन एक चीज से कनेक्टेड हो, एक बटन एक चीज से कनेक्टेड हो। अगर दो नंबर बल्ब से कनेक्टेड हो रहा है तो यही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन नंबर इससे कनेक्टेड हो रहा है तो इसी से होना चाहिए। अगर यहां पे मिटा करके तीन नंबर इससे कनेक्ट हो इससे, तो एक एक कनेक्ट है ना, एक एक करके ही तो कनेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये चलेगा ऐसे, ठीक है, ये वाला ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये रिलेशन माना जाएगा। लेकिन हम आपसे बोले कि ये वाला बटन दबा रहे हैं, ठीक है, इससे ये भी चल रहा है, इससे बल्ब भी जल रहा है, इससे ये भी चला गया, यहाँ टीवी भी लिख देते हैं, यहाँ टीवी भी चालू हो गया, ठीक है, ये लिख देते हैं, यहाँ से ये गाड़ी भी अपने से स्टार्ट हो जा रहा है, तो एक ही काम करने से सब काम शुरू हो जा रहा है, तो ये तो इतना कौन चाहेगा भाई, इतना घटिया रिलेशन। आप मान लीजिए कि फ़ोन यूज कर रहे हैं, ठीक, एक बार अपने सेटिंग को मैसेज किया, ध्यान से समझिएगा, और सब सेटिंग के पास पहुंच जा रहा है तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वही मैसेज आपके पापा के पास जा रहा है, आपके मम्मी के पास जा रहा है, आपके फ्रेंड के पास जा रहा है, आपके बड़े पापा के पास जा रहा है, पुलिस अधिकारी के पास जा रहा है, जो अपने सेटिंग को मैसेज किए हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसा रिलेशन चाहेंगे कि एक ही चीज़ से पूरा का पूरा कनेक्टेड हो जाए, तो इधर वाले एक चीज़ से सब कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ये रिलेशन गलत हो जाएगा। यानी ये फंक्शन, ये तो रिलेशन है, आपने तो सबसे रिश्ता जोड़ रखा है ना, ठीक है, तो ये रिलेशन है, लेकिन इसमें इसका फंक्शन आपका खुद खराब हो जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो आप इसको समझ रहे हैं रिलेशन और फंक्शन में क्या होता है, यानी कि एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, यानी सब संबंध फलन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एवरी फंक्शन इज क्या होता है, वो रिलेशन होता है, यानी कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, यानी पूरा का पूरा जितना भी फंक्शन है। अच्छा चीज देखो, फंक्शन कहता है कि शुद्ध रिलेशन लेकर के आओ, शुद्ध रिलेशन रहेगा तो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फंक्शन कितने प्रकार के हम लोग रिश्ता को जोड़ सकते हैं। याद रखना, अपना पर्सनल रिश्ता ये फंक्शन में नहीं आता है, फंक्शन में आता है शुद्ध रिश्ता, ये हमेशा याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन के प्रकार, यानी कि कितने रिलेशन और फंक्शन ये कितने प्रकार के होते हैं बहुत शानदार तरीके से। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी तैयारी बड़ी शानदार होने वाली है, ठीक है, और आपका इस बार दिल नहीं, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा जबरदस्त तरीका से, क्योंकि ये क्लास एकदम से रिकॉर्ड तोड़ने वाला ही बनने वाला है और आपका रिजल्ट शानदार होने ही वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा, लगा हो शानदार तो शेयर भी कर दो मेरे यार। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।